अर्षित खड़ा हो बेटा, 7 दिन हो गए, चलो उठ जाओ उठ जाओ। अब दो दो उड़े पड़ा है, रात को एक भी नहीं उड़ता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता बर्मा ब्लॉग। और गाइस सब कैसे हो, आई होप सब अच्छे हो और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और गाइस अभी बज रहे हैं 7:15 और मैं उठी थी 6 बजे, खाना बनाया मैंने, लंच लगाया। अर्षित उठो बेटा, और ये उठ भी गया था, अभी दोबारा सो गया, कह रहा अभी तो मम्मी 7:45 हुए हैं, अभी क्या करूँ मैं उठ के। और दोबारा की नींद बहुत अच्छी वाली होती है, मतलब आँख नहीं खुलती, बहुत मज़ेदार नींद आती है। और सुबह दोबारा सोते हैं हम तो। मैंने लंच हर्षित के लिए बनाई है, आज मैंने आलू मेथी, और मैं ये वाली मेथी हमेशा बनाती हूँ लोहे की कढ़ाई में। और यहाँ इसका बन रहा है ब्रेकफास्ट, कह रहा मम्मी आज फ्रूट नहीं ले जाऊँगा, मुझे मखाने देना, अच्छे लगे होंगे इसको, मखाने रखे थे मैंने। थोड़े से घी डाल के और नमक डाल के इसको फ्राई कर दें। यहाँ पे तो मैं अपना नींबू पानी गरम करके, गरम ही था देखो, रात को दिखा था देखो, अब तक तो उबला हुआ पानी है इस बॉटल में। लग चुका है लंच, ये लग दी मैंने आलू थी, ये परौंठी, और लग दिया खीरा सैलेड में। टेस्टी लग रही है ना गाइस, आपको भी? मुझे तो बहुत लग रही है यार। ब्रेकफास्ट में मखाने, नाश्ता, लंच, और चलते हैं फिर बैग में रखते हैं भाई। ले गाड़ी ले जल्दी से भाई, बैग तो इतना लगता है जैसे क्या तुमने घर का सामान भर लिया इसमें है। चलो जा जल्दी, पापा गए नीचे, हो गई लॉक, प्लेसेस बंद करो ठीक से। भाई हर्षित को छोड़ा है स्कूल और अब बैठ के तसल्ली से चाय पियेंगे। और फिर रखा है सब्जी जो लाई थी बथुआ, तो मैंने कहा चलो ये भी साफ करके अभी रख दूंगी, ना तो खराब हो जाएगा पन्नी में ना, एक तो गीला गीला के पसीज जाता है, या फ्रिज में रख दो तो फिर वो ये खराब हो जाएगा, पत्ते टूटेंगे, पत्ते तोड़ के ना फिर से उबाल के रख दूंगी ना। आप बथुए के रात आलू पराठे कह रहे हो ना, तो दोनों में बथुए के पराठे बनते हैं, आलू बथुए के पराठे बनते हैं, हाँ तो उबाल के रख दूंगी ना दोनों। गाइस नहा लियो मैं और मैं करती हूँ पूजा, और आज सोचे मंदिर साफ कर दूँ, बहुत दिन हो गए मंदिर साफ करे हुए, तो मंदिर साफ करते हैं। अब ये सब काम हो चुका ना, निश्चिंत होके काम करूँगी, अब कोई टेंशन नहीं, नाश्ता खाना सब बन चुका है। तो गाइस जब बजने वाला है 2 और अब फ्री हुई मैं जाके, क्योंकि कल कपड़े धोए वो समेटे सारे और घर समेटा सारा, मंदिर साफ करने में मुझे कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, तो मंदिर साफ करा। और किचन में जो छोटे 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 जो काम पेंडिंग रह जाते हैं ना, वो पूरे पूरे करके रख रहे हो। ये करते जीरे का मसाला बना के रखते, मसाला बनाया, और शाम के लिए छोले भी हुए, अभी पहले ग्रीन टी भी मैंने, और बस समेट के आप बैठ रहे हो। बैठने के अवश्य आने वाला होगा, तो अभी फ़िलहाल मैं थोड़े से सोच रही हूँ फ्रूट्स, संतरे वगैरह छील के रखूँगा, छिले हुए होते हैं तो खा लेते, नहीं तो अदरवाइज़ बाद में बाद में बाद में, तो पहले ये काम कर लेती हूँ मैं। और मैं दिखाती हूँ अपने मंदिर भगवान जी का। आजकल भाग भाग की ज़िंदगी में किसी को खाने का टाइम भी नहीं है, तब छील के रख दूंगी तो ये है कि खा लेंगे दोनों पापा बेटा। पहले बैग रख दे, बाद में पूछ ले क्या बनाया। क्या बना? सुबह वाली सब्जी नहीं होनी चाहिए। नहीं मम्मी नहीं, जब देखो आलू आलू आलू, मेथी मेथी मेथी, क्या खाना ये बता, सब्जी का नाम बता दे। ये नहीं खाऊंगा मैं, अब बथुए कराया था भैया, नहीं कुछ भी नहीं आएगा बिगाड़ का, जो है वो बनाओ, ये नहीं है 3 टाइम सब्जी बनेगी, हम नाश्ता करते नहीं है, तो तेरे लिए तो सब्जी बनेगी नहीं 4 बार, बिल्कुल मत खाओ, बहुत खुशी होगी हमें। नहीं खा रहा मैं, मम्मी बहुत खुशी होगी, नहीं होगी हमें खुशी, हमें 2 रोटी नहीं फिर कम बनानी पड़ेगी, क्या है नहीं जाओ, मूड खराब कर दिया सारा, जो भी है वो ही है। मैं तो गाइस जब जा रहे मार्केट और सामान कुछ लाना, हर्षित का कराना बैग ठीक, क्योंकि फट गया इसका बैग भाई, किताबों का लोड इतना होता है कि बैग तो क्या ही करेगा, 2-4 महीने चलता है और बैग खराब हो जाता है। और हर्षित चला गया ट्यूशन फाइनली, आलू मेथी के पीछे भाई झगड़ा बहुत करा उसने, फिर नीचे से ताई जी ने कहा कढ़ी चावल ले जा, कढ़ी चावल खाए फिर गया ट्यूशन। बच्चों का ये गाइस जो बना दो ना वो पसंद आते ही नहीं है इनको,
और मैं तो कह रही चल गार्लिक ब्रेड बना देती हूँ, ब्रेड लिया कह रहे नहीं मम्मी आलू मेथी दे दो। फिर चल ताई जी का फोन आया, वो आवाज आ गई कि कड़ी बन गई, कड़ी ले जा। अभी चलती हूँ फिलहाल मार्केट, उनके साथ खाना वगैरह सब हो गया है। आज हम हाथों हाथ सिलवा रहे हैं हर्षित का बैग, भैया कह रहे हाथों हाथ ले दो, ये तो लेके चलते हैं फिर क्योंकि दूर है बार बार आना जाना। बहुत खाते हैं वाले पैकेट वाला दियो। सामान वान ले आए हैं और पूरे बज गए पाँच बज गए, टाइम लग जाता है मार्केट में, जो छोटा मोटा घर का सामान है बस वही लेके आए हैं। मंदिर बाबा के बाबा लगाते मंदिर से आई हूँ और जल्दी जल्दी मंदिर गई। आज बनाया था गई गाजर का हलवा, कल मंडी गए थे ना तो गाजर भी आए थे थोड़ी सी, तो फिर ये करी चल हलवा बना ले, गाजर तो आई गई है तो मैं चलो हलवा बना लेती हूँ। और पहले मैं हलवा बनाती हूँ तो भाई सबसे पहले मैं बाबा को भी भोग लगा के आती हूँ, मतलब बाबा को मंदिर में देख आती हूँ। तो इतनी जल्दी जल्दी बनाएगी, 9 बजे मंदिर बंद हो जाता भाई साहब, कि कच्चा भी ना रहे और आधा अधूरा भी ना रहे, बस बाबा का नाम ले लेकर बनाया और बन गया फाइनली। और पता चला वहाँ जाके पूरे 9 बजे पहुँची कि मंदिर 9:30 बजे हो गया कल से, हाँ चलो ये भी ठीक है। और आज बनाए गए छोले भटूरे, छोले भिगोए थे सुबह तो ये कहने लगे चल भटूरे बना दिए, मैं तो खाऊंगा नहीं, मेरे लिए चावल बना दिए और चल बच्चों के लिए भटूरे बना दे। और आज भैया भी आ रहे करनाल से, गए चल तुम लोग तो सब खा लेना, तो छोले भटूरे बने और गाजर का हलवा, बस वही खाने बना रही थी मैं। नीचे बैठ गए सारे, वो सूजी है मिलाई आधी, सही बने भैया बाप, दो इलायची दे देना गरम पानी पिला दे। इलायची तो चार खा लेना, ग्रीन टी पी लेना, ग्रीन टी बैठे बैठे मैंने जितने बर्तन मांजे मैंने भी चार धाम यात्रा कर ली इतने। अरे औरतों के लिए तो जो ऐसा है, औरतों की जो यात्रा होती है ना वो धर्म कानों से हो जाती है, ऐसे काम के लिए ये सब जो सबका झूठा मानना और ये सब बहुत बड़ी बात है, सारे प्रयाग यही है, सारे बद्री यही है, सब यही है, अपनों का कोई झूठा नहीं होता भैया, घर में ही सारी ओ भाई चीजें। हाँ थोड़ी नहीं घूम के आ रहा बद्रीनाथ जी, सारे घूमने लग रहे तो गाइस पता है कितना बज रहा है, अब बज रहा है सवा, और गप्पे लड़ाते लड़ाते सब टाइम पता नहीं चला। और सब अब गए नीचे, भैया नीचे गए सोने और सोनू भी गए नीचे और हम अब सोएंगे, सवा बज रहा है अब। ये अर्षित कह रहा है मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, इसके पापा कह रहे नहीं स्कूल जाएगा, अब देखते हैं भैया। मैंने कहा भैया मुझे बीच मत लो, कल के तुम देखो ये जाए या ना जाए, पापा भाई मुझे बीच में मत लाना ठीक है, देख है मुझे नहीं लाएगा मुझे डांट पड़ेगी। ये कह रहे हैं मैं कल छुट्टी करूंगा, और रात भी हमें सवा 1:30 बज गया था वैसे तो कल, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आई पता नहीं क्यों, 3 बजे तक मुझे एकदम से बुखार हुआ। हाँ 6:30 बजे उठा कर मम्मी मुझे ना बुखार सा हो रहा है, मैं चल भाई कोई बुखार बुखार नहीं थे, स्कूल चला तो पापा भी उठ गए थे 6:30, पापा हाँ जल्दी उठ गए थे आज, बस यही है। अब भाई तू रेपता लंच में क्या ले जाएगा, मुझे ना दिमाग मत खराब करी बिल्कुल भी, भाई किस किस के बच्चे से परेशान करते हैं, मतलब सब्जी बतानी नहीं है जो बनती है। मेथी तो हम एक हफ्ते मेथी अभी रखी है नहीं रखी है मेथी, गार्लिक ब्रेड में डाल देना पर ऐसे नहीं खाऊंगा। तो गाइस बताने किस किस के बच्चे से परेशान करते हैं, बच्चे तो मुझे लग रहा सारे परेशान करते हैं, लेकिन जब पूछो ना इनसे कुछ भी बना लो
भाई हम पर कहां से बनाए इतने को, मतलब ये थोड़ा ना तीनों दिन एक ही सब ऐसा कुछ नहीं है। मेथी पराठे बनाए थे कल, आलू मेथी बना दी थी परसों। क्या बनाया था? आलू मेथी के पराठे बनाए थे शायद। आलू मेथी के नहीं, से मेथी के। हाँ मेथी के, दो दिन से मेथी के पराठे से आज हेल्दी 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 देखना ना, एक चीज नहीं खाते। हां तो हेल्दी में हेल्दी बहुत। अभी मेथी बची पड़ी है। भाई देख जो खाना हो ना वो ले आया करो, बता दिया करो, जब मैं पूछती तो कोई बताता नहीं है। ये चलो गाइज बस यहाँ तो ऐसे ही चलता रहेगा, नहीं तो मुझे दो बज जाने हैं अभी एडिटिंग करते करते। तो गाइज बस चलो इसी के साथ हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आप वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट्स कर बताना हमारे वीडियो को कैसे लगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज, टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। भैया तू जाने मुझे बता दे, मैं कभी 6 बजे उठ जाऊँ, मैं आराम से उठूंगी। देखते हैं तो कल की, कल देखना पता नहीं क्या कल महापर्द होने वाली है। बाय गाइस।